So first of all, we would like to thank JT Public School. Thank you, ma'am. And thank you all teacher. This is a chance to be here. हम लोग यहाँ पर हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पांचवा एडिशन है और हम हर बार कॉलेजेस में जाते हैं स्कूल्स में जाते हैं राजस्थानी कल्चर के बारे में बात करते हैं राजस्थानी कल्चर के बारे में लोगों से जानते हैं इसको प्रमोट करने के लिए और हमारा ये कैंपेन आज से शुरू हुआ है और आज से आपके स्कूल से हम लोग शुरू कर रहे हैं सो विश अस गुड लक कि आज से यहाँ से आपकी जो शुरुआत हम लोगों ने की है इस कैंपेन की ये 5 सितंबर तक हम लोग बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो वो कि हमारे कैंपेन सक्सेसफुल रहे ओके तो सब लोगों की तरफ से विश हो जाए तो अल्लाह तालियों में साथ हम इस कैंपेन में बात करते हैं राजस्थानी कल्चर के बारे में राजस्थान की मूवीज के बारे में राजस्थान के गानों के बारे में सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं बच्चे जो घर पे राजस्थानी बोलते हैं टीचर्स की तरफ मत देखो आप इनसे मैंने परमिशन ले रखा है हम 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं कहने कहेंगे सो फील फ्री आप लोग अपने आप को फ्री महसूस करो टीचर्स बैठे हैं यहाँ पे आपके साथ बट आप लोग फ्री हैं कितने लोग राजस्थानी बोलते हैं घर पे अच्छा कितने लोग राजस्थान के बारे में जानते हो कि हम राजस्थान राज्य में रहते हैं आप में से कितने लोग राजस्थान के बारे में जानते हैं हाई टू प्लीज अच्छा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 5th एडिशन और ये होने जा रहा है 16 सितंबर को लेकिन यहाँ पर आप एक डेट देख रहे होंगे थर्सडे 14 सितंबर 2017 आज अच्छा तो इस बार हर कॉलेज स्कूल से हम लोग डांस कॉम्पिटिशन एक होने जा रहा है उस डांस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वालों को जो विनर रहेंगे उनके लिए कैश प्राइज है 21,000 रुपए और जो सेकंड रहेंगे उनके लिए है 11,000 रुपए कैश और जो उनमें से विनर रहेंगे उनके लिए एक चांस है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो मेन प्रोग्राम होगा 16 सितंबर को उसमें आप लोग मेन स्टेज पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो ये आप लोगों के साथ साथ मैं टीचर्स को भी बताना चाहूंगा कि इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए 8 स्टूडेंट से कम नहीं होने चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो आप में से कितने बच्चे हैं जो डांस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं अरे वाह सभी लोग करते हैं ओके आप में से टीचर्स में से कोई है जो बच्चों को डांस के रिगार्डिंग गाइड करते हैं मैम आई एम थैंक यू आप डांस टीचर हैं मैम और प्लीज आ जाइए तो आप ज्यादा हमें अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे कि ओके एक तो डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे ना आप लोग करना चाहते हैं एंड टीचर से भी हम पूछना चाहेंगे आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहेंगे तो आप मुझे ऐसे बच्चे बता दीजिए 8 से 20 8 का ग्रुप होना चाहिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 20 तो मैक्सिमम 20 बच्चे ऐसे बता दीजिए जो कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक है आप चाहते हो कि ये बच्चे पार्टिसिपेट करें जी हाँ अभी आप बता सकते हैं और उसके बाद में भी आप बता सकते हैं इसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा स्कूल की तरफ से जो कि हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ बैठे हैं यहाँ पे आप इनको फॉर्म भरवा सकते हैं और इनको दे सकते हैं अगर बाय चांस आपको लगता है कि हमें 1 या 2 स्टूडेंट्स और जोड़ने हैं तो प्लीज आप इनके नंबर रख लीजिएगा इनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं और ऑनलाइन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है YouTube/ECDs1000 वहां पे आप सर्च कर सकते हैं और फेसबुक पे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के नाम से आप फेसबुक लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल आप में से बच्चों में से मैं तो किसी से पूछूंगा नहीं कि कितने बच्चे फोन यूज करते हैं अभी नहीं पूछे हो सकता है कि आप अपने टीचर से छुपा के इस्तेमाल करते हो जैसे हम लोग करा करते हैं बट अभी सबके सामने नहीं पूछ रहे पुस्तकें अभी अलाउड है
एज ग्रुप कौन सी एज के बच्चे बड़े हों तो ज्यादा बेहतर है, छोटे बच्चों को अगर टैलेंटेड हैं और वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बहुत कम है, लेकिन जो ग्रुप है वो आठ से ज्यादा कम का नहीं होना चाहिए, बीस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बारे में। ओके, इसके अलावा एंकर्स आप लोगों ने खूब सारे देखे होंगे, बहुत सारे आते हैं प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, एफएम भी सुनते हैं आप, उसमें भी आते हैं। जब प्रोग्राम अगर जैसे शुरू होता है, सपोज कि माई एफएम का सुबह का प्रोग्राम शुरू हो गया चाय नाश्ते वाला, तो उसमें आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। मिलते हैं कितने लोगों ने एफएम के आरजेस से गिफ्ट्स लिए हैं? अगर कहाँ से लिया था आपने, किस आरजेस से मिले थे? आप मुझे बताएंगे कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट एनुअल डे में 15 अगस्त 26 जनवरी कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते होंगे प्लीज नाम बताएंगे जी? जो करते हैं उनका नाम बता दीजिए मुझे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बात की बात है, बट अभी कैसे कितने पढ़ो में पार्टिसिपेट करते हैं? आप हाथ नीचे रखो, आप हाथ नीचे रखो, आज आपकी चॉइस नहीं चलेगी, आप जो सामने बैठे उनको बुला लीजिए। आप नाम कॉल कर दीजिए, यस वही से दो से नाम बोलो ना, 2 3 और यशी गार्गी मनीषा नहीं जानता है। राजस्थान की 74 बोलियां हैं,
ओके और राजस्थान का दिल किसे कहते हैं कुछ बताया करो कौन सा शहर है यस आप माइंड में नहीं ऐसे पूछ के रखे ना आपको हाय जल्दी से आता हूँ हमारे राजस्थान के जितने भी शहर हैं उन शहरों के नाम फॉर एग्जांपल हमारे गुलाबी नगरी है तो क्या कहते हैं तो ऐसे मैंने बोल दिया यस आपका नाम रौनक पांव में क्या कह रहे हैं पेन हो रहा है क्यों अच्छा जोश में थोड़ा पेन इधर आओ हेलो सर क्या ओके कौन सा शहर है जिसे हम राजस्थान का दिल कहते हैं कच्छ गुजरात में राजस्थान का दिल किसे कहते हैं कौन से शहर को कहते हैं नहीं जानते चलो थैंक यू रौनक के लिए ताली हो जाएगी राजस्थान का दिल किसे कहते हैं उदयपुर को कहते हैं नहीं राजस्थान का दिल कौन से शहर को कहते हैं यस नहीं बच्चा आप तो नहीं मालूम यस आपने से भी हाथ खड़ा कर रहा यस अलग जयपुर के अलावा कहीं घूमने नहीं गए पता क्योंकि हमें पापा लेके नहीं जाते सिर्फ जयपुर घूमते हो यस और कोई जोधपुर नहीं जैसलमेर नहीं यस ऐसे बोलो बोलो किसने बोला आपने आ जाओ राजस्थान का दिल कहलाता है हमारा अजमेर शहर जिसे पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से भी जाना जाता है वाह इनके लिए बीस लोग लगा रहे हैं शाम चारू अरे वाह कौन सी क्लास में पढ़ते हो पांचवी क्लास में पढ़ते हो गुड पॉइंट आती है पॉइंट कविता आती है गाना आती है नहीं आता पढ़ना आता है ये आपके लिए थैंक यू ओके राज उदयपुर को क्या कहते हैं उदयपुर का दूसरा नाम क्या है यस आ जाओ जल्दी से आओ मैम ने अभी बताया नहीं ना आप अगर आप जल्दी से अगर पहुंच गया तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पे अब इसके बाद में और बहुत कुछ है आपके साथ में बांटने वाले हैं जल्दी से आ जाओ हम सभी लोग हैं यहाँ पर राजस्थान की फेस्टिवल के बिहाफ पर प्रमोशन एक्टिविटी में नाम क्या बेटा इधर आ जाओ क्या नाम है ज्योति पारी आपको पोइम आती है राजस्थानी पोइम आती है कोई दोहा आता है नहीं आता है और क्लास में कौन सी पढ़ते हो फिर क्लास में पढ़ते हो फिर सब्जेक्ट कौन सा था साइंस और भी क्या नाम था प्लीज अभी तक एक्ट किया जाए उदयपुर को क्या कहते हैं दूसरा नाम क्या लैक सिटी जिलों की नगरी वाह सो स्वीट ये जो गीता जी के बिहाफ पर ये गीता जी हमारे मेन प्रेजेंटर हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के थैंक यू सो मच किसी का अपने शेयर करना है इसको करना शेयर नहीं करना अकेले के थैंक यू ओके चलो जी यहाँ से किसको बुलाया सबसे पहले जो मैम ने नाम नाम के मैम का नाम क्या है आपका नाम सरे ओके मनीषा मैम यस ये आगे वाली लाइन है मुझे आगे और आप लोग अगर हमारे साथ 14th of September को डांस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं अगर विनर बनते हैं उम्मीद करते हैं कि हम पहली बार आप शुरुआत कैंपेन की आपके स्कूल से कर रहे हैं तो विनर भी आपके स्कूल से ही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए यस सर यस यस कौन से गाने पे परफॉर्म करेंगे आप जो मैं बोलूँ और दूसरा एक और बता देता हूँ आपको मैम अगर आप बच्चों को इंस्पेक्ट करें तो गाना जो है वो मोस्टली राजस्थानी होना चाहिए अगर राजस्थानी आप नहीं रख पाते किसी कारण से तो राजस्थानी प्लस हिंदी रख सकते हैं और उसका डांस फॉर्म कोई सा भी हो सकता है हिप हॉप जैज घूमर कार्पेलियर जो आपको अच्छा लगे बाकी और ज्यादा क्वेरी आपको मैम बता देंगे ओके प्लीज
ना क्या सिनेमा में और इतने दूर तक आगे वाली देखी ये पांच क्षेत्र हैं
ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया। शेखावाटी में कौन कौन से शहर आते हैं इसको वालों को प्लीज यहाँ आके बताएगा। यस आ जाओ, अब सिर्फ राजस्थानी कल्चर की बात कर रहे हैं आप, आ जाओ किसी को मालूम। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं, नो जरी बात मालूम है, आ जाओ इधर ट्राई कर सकते हैं, इधर आ सकते हैं, बता दो जल्दी से आ जाओ, आ जाओ यहीं से आ जाओ, बीच में से आ जाओ, थोड़ा लेट फटाफट से आ जाओ। स्कूल की स्कूल आराम से जाने से जल्दी से आ जाओ। क्या नाम आपका? खुशी। खुशी के लिए बारे में सीकर और झुंझुनू तो एकदम राइट है, और कोई तीसरा जिला क्या हो जाए? आ जाओ, हाँ हाँ आ जाओ, हाँ जल्दी से आ जाओ, कौन सा है नीचे बता दो। नवलगढ़ सिटी है, मैंने जिला पूछा, आ जाओ बता, सही बता रहे हो, आ जाओ। और कोई बताएगा? एक और जिला आता है शेखावाटी, यस केतरी, केतरी एक शहर है, कस्बा है, जिला नहीं है, यस नहीं, चलो थैंक यू सो मच, यस चूरू, किसने बोला ये सबने मिलके? हाँ जी सॉरी मैम, हाँ सबने मिलके बोला है ना, तो फिर मिलके एक ही पैकेट मिलेगा, और मिलके ना चलेगा, दोनों को अलग अलग कीजिए, दोनों ने अलग बताया। शेखावाटी में तीन जिले आते हैं, चूरू सीकर एंड झुंझुनू, कोई नया आया है चूरू सीकर झुंझुनू से? अरे वाह मनीषा मैम वहीं से, कहाँ से मैम अच्छा, चूरू से सीकर से, चूरू से झुंझुनू, तो ठीक है आ गया झुंझुनू छोड़ के, चलिए थैंक यू मैम, ये आपकी वजह है, थैंक यू, और ये आपके लिए आ जाओ, काम किया था वैभव, वैभव के लिए प्लीज ताली बजाएं। ओके चलो बताओ, अभी शेखावाटी के अलावा मैंने मारवाड़ का नाम लिया था, मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? यस मारवाड़ में यस आइए मिल रहे जल्दी से आओ, आगे आओ पास पास जी, आपको भी मालूम है, आ जाओ क्या पता है गलत हो, आपके सही हो जाए ठीक है, नाम आपका बेटा कौन सा क्लास पढ़ता है? 12th कॉमर्स में पढ़ते हैं, ओके गुड, मारवाड़ में कौन कौन से ले आते हैं? जोधपुर, बेटा ने जोधपुर तो ही आप बताओ, मैं यहाँ आ नाम आपका? गीतांशी, नितांशा इधर हमारे टाइम में सही था ना, अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल से नाम रखते थे, आजकल पेरेंट्स बच्चों के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, हम लोग भी सोचते हैं पहले चार पांच बार अड्डा मार के जाते हैं, उसके बाद उसका अपना कर पाते हैं अच्छे से, नितांशी नितांशा चलो बताओ, ना बोले एक ही, अच्छा आपने एक ही बोला था, आपने दो बोले, ओके और कोई पढ़ेगा आगे दो से आगे? यस सर, हेलो बड़ा सर, यस सर अभी आ रहा है, कुछ तो पता चलेगा, यस या धीरे करो, कौन सा करो वहाँ पे फ्रेंड कॉमर इन दो सामने आपको पढ़ना है नहीं बस ओके ओके क्या जेता है जेता जिला भी हाँ पाली है, पाली जिला है बट जैतारण नहीं है, ब्यावर जिला नहीं है, ब्यावर अजमेर नहीं कहती है, ये अलग है,
सर विवाद विवाद कुछ भी नहीं है, इधर आओ इधर आओ। मैंने पूछा था कि मारवाड़ में, मारवाड़ क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, ये तो काउंटिंग बता दो, क्या नाम बता दो। चार। कौन कौन से? चलिए थैंक यू सो मच। मारवाड़ में चार जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर एंड पाली। मारवाड़ जंक्शन का नाम है, मारवाड़ क्षेत्र है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच सर, बेटा प्लीज गिफ्ट दिया जाए सभी को। थैंक यू, ये आपके लिए सर, ये आपके लिए। यस ओके। हमारे राजस्थान के अंदर कितने तरह के डांस होते हैं, नाम बताया तो भी। यस वहां से नहीं, यहाँ आके बताया पता चलेगा। यस हमारे राजस्थान में जो डांस होते हैं उनके नाम बताए क्यों। यस डिम्पल राठौर, आप अच्छे से जानते हो कि घर में राजस्थानी भाषा बोलते हैं, मम्मी कौन सी बातें बोलती है, राजस्थानी कौन सी कहा मारवाड़ी सीकर से रहने वाले, तो फिर तो बोलते हो फिर। अरे वाह गुड, बताओ। घूमर, घूमर जो है वो राजपूती कल्चर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा होने वाला डांस है। कालबेलिया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कालबेलिया डांसेस करते हैं, वो उनकी है। लंगा बांगड़िया का नाम सुना है आपने, जो ज्यादातर जैसलमेर और बाड़मेर साइड में होते हैं और फोक सिंगिंग करते हैं। यस कहाँ कहाँ बोल जाती है घूमर, राजस्थानी डांस फॉर्म है। और नहीं जिला तो सब जगह पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सोमर यहाँ पे भी होता है, राजस्थान में भी, टिकावट में होता है, कावट में भी होता है, चुनाट में भी देख खेला जाता है। इसके अलावा भी डांस फॉर्म जो आप जानते हो राजस्थान में होने वाला। चलिए थैंक यू अगर अपनी राजस्थान के अंदर कारगरिया होता है, कुंभर होता है, हवाई नृत्य होता है। हवाई की भी दो फॉर्म्स होती है, ग्रामीण हवाई होती है, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा, आपको देखा भी होगा, तो ये आपके लिए थैंक यू सो मच प्लीज। ओके और किसी को चाहिए कि हमारे मीका जी प्रोफेसर ने इनकी तरफ से गिफ्ट चाहिए किसी को, इसको ले जाए आजा कम, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा आजा। आप टीचर को भी, आप टीचर को जैसे चाहिए ठीक है, आपका नाम बताओ। कुणाल के लिए भी ताले हो जाए, आप बताओ हमारे नाम में आपके लिए प्लान चला रहे हैं, ठीक है, आपके लिए प्लान चला रहे हैं यहाँ पे, और आपको डांस करना पड़ेगा, फिर हम आपको गिफ्ट देंगे। आता नहीं है क्यों, देखो सामने हमेशा मैं बैठी हूँ, कुछ सीखा क्यों, सीखते क्यों नहीं हो, सीखते नहीं होगा मन नहीं करता, तो मन कैसे करता है, किस चीज के लिए मन करता है, रीडिंग करने का मन करता है, इतना सारा प्रपोज देते हैं कि बैठे हम तो आने वाले चेक करो पढ़ते हो, थैंक यू सो मच, चलो बैठो। ओके राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप लोग सभी लोग घूमने भी गए होंगे बहुत सारी जगहों पे। ओके राजस्थान में जैसे इंडिया में एंट्री करते हैं हमारे भारत देश में तो एक गेट है, उसका नाम क्या है, वैसे ही राजस्थान का प्रवेश द्वार भी है, एंट्री गेट है, वो कौन सा जिला है। यस मैम बताएंगे, मैम बताएंगे कौन सा जिला है जिसे हमारे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, दोनों आलोक मिलता है, इसको आलोक मिलता है
और हम लोग यहाँ पर बीकर के प्रदेश उस सो ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के एडिशन इन एसोसिएशन में ईटीवी राजस्थान तेलंगाना टूरिज्म पुडुचेरी टूरिज्म डिस्ट्रो पार्टनर ए स्पीकर्स एंड इवन ऑन द मैनेज बाय ए सीरीज थैंक यू सो मच हाँ जी नाम आपका आपका नाम पूछना बेटा आपका नाम भोलपुर है पलक है आपका नाम कौन सा है हमारा जिला राजस्थान का जिसे राजस्थान का पुलिस द्वारा कहा जाता है धौलपुर ओके आपका आप ही धौलपुर दोनों पक्की सहेली है इन्होंने गलत आंसर दिया तो आप ही गलत आंसर दोगे गलत दिया आपको भरोसा है कि इन्होंने सही आंसर दिया सही आंसर दिया अभी सही देखा आपको आपको और जहाँ से आएगा अभी बैठ जाओ यस आपने मुझे बताया कि मुझे सही आंसर यस आ जाए जल्दी से आप तो किसी को और किसी को बताओ यस काम तो सही होना चाहिए आपका राजस्थान का प्रवेश द्वार एंट्री गेट यस
पोर्ट्रेट भी खींचे। चलो जी, अभी बहुत सारे गिफ्ट पड़े हैं और एक ऐसा शहर है हमारे राजस्थान का जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, उसको मालूम है सिर्फ पालखड़ा करेगा और इधर से भी रहती है और आपको मालूम है नवाबों का शहर है। ओके, पड़ोसी का कोई हाथ नहीं करेगा, अपने आप करेगा सर। पता नहीं चलिए सर, यस कौन सा शहर? एग्जैक्टली राइट आंसर, प्लीज तालियां होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? अवशा का मतलब क्या होता है? खिल के फिर भी करना है और पानी भी होता है। ओके, आपका हॉबी क्या है? क्या लाइक करते हैं आप? डांस, सिंगिंग? सिंगिंग करते हैं? अरे वाह, तो इधर आप सिंग आ जाओ। कौन सा गाना है? कौन सा गाना जो आपका मन करे? सिंगिंग एंड डांसिंग, तो पहले क्या सुने?
सुनेंगे या पहले देखेंगे? देखेंगे भाई, उसमें क्या गलत है, क्या नंबर चाहिए? ओके चलो ठीक है, गाना गाएंगे मैम। नाम क्या बताया था आपने? मीनल। ओके कौन सा भी हो सकता है, और शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। आपका नाम क्या बता रहा है?
वैभव से शुरू कर रहे हैं ओके तो प्लीज वैभव के लिए Thank you so much. Thank you.
आपको चार रुपए के लिए जाते हैं। थैंक यू। ओके, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की प्रमोशन एक्टिविटी में आज हम हैं यहाँ पर जेजी पब्लिक स्कूल शिवराबाद 59 में और हमारे साथ हैं शालिनी मैम। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की इस प्रमोशन एक्टिविटी में हम आपके साथ हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ हैं, राजस्थान के कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें की, सो प्लीज आप हमें प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे इस प्रमोशन एक्टिविटी में आगे क्या होगा और होना चाहिए। आप लोग के द्वारा शुरू की गई है जो बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए एक एनकरेजमेंट है, राजस्थानी कल्चर को हमें बढ़ावा देना है। आज जो भी क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछे गए थे वो बहुत अच्छे थे और बच्चों ने उनसे काफ़ी नॉलेज वो गेन की राजस्थान के बारे में और राजस्थान के कल्चर के बारे में। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और जो भी कॉम्पिटिशन आप डिफरेंट स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए आप तक के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्कूल में आए और आपने हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन किया। आई रियली थैंक यू, गिव यू थैंक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज़